सो हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दीपांजलि उपाध्याय इज वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर में आसानी से या फिर घर के गार्डन में कैसे आसानी से गुलाब उगाएं, कैसे उसकी तैयारी करें, गुलाब को कहाँ लगाएं, गुलाब को किस तरह का पोषण ज़रूरी है, कब गुलाबों की छटाई करें, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बगिया हो, कोई भी गार्डन हो, गुलाब के फूलों के बगैर बिल्कुल अधूरा है। पूरे वर्ल्ड में गुलाब के फूल गुलदस्तों के लिए सबसे अधिक बिकने वाले फूल होते हैं, और इनके अलावा गुलाब के अनेक किस्म के पुष्पों में खुशबू भी खूब होती है, इसलिए भी गुलाब सबसे अधिक लोकप्रिय फूल है। आपकी बगिया में आप कौन से गुलाब के पौधे लगाएं, इसका चयन करने के लिए कुछ बातों का पता होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यूँ तो गुलाब क्यारियों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, लेकिन छोटी बगिया के गमलों में भी उगाए जा सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि गुलाब कैसे उगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गुलाब कहाँ लगाएं। गुलाब के पौधों को हमेशा वहीं लगाएं जहाँ धूप आती हो। धूप वाले स्थान पर या तो एक पंक्ति में या फिर दो पंक्तियों में गुलाब लगाए जा सकते हैं। 4 से 6 फीट चौड़ी क्यारियों में 3-3 फुट की दूरी पर गुलाब लगाएं। गमलों में छत पर या फिर ऐसे स्थान पर जहाँ धूप खूब आती हो गुलाब लगाए जा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें। गुलाब के लिए अच्छी जल निकासी आवश्यक है। मई जून के महीने में क्यारियों को सावधानी के साथ आधा मीटर गहरा खोद लें और मिट्टी अलग कर दें, और मिट्टी का एक तिहाई हिस्सा हटाकर रेत मिला लें। मिट्टी में प्रति वर्ग मीटर में लगभग 8 से 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी तरह से मिलाएं। गमलों के लिए 2 भाग दोमट मिट्टी, 2 भाग रेत व 1 भाग गोबर खाद मिलाएं। इस तरह से आसानी से आप घर पर गुलाब उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कि गुलाब के लिए किस तरह का पोषण जरूरी होता है। छटाई के बाद पौधों पर मनकोजेब्बा कार्वेंडेजिम नाम के फफूंदी नाशक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें ताकि रोग ना लगे। इसके बाद हम जानेंगे कि कब करें गुलाबों की छटाई। नए पौधों की 1 साल तक छटाई बिल्कुल भी ना करें। वैसे गुलाब की झाड़ियों की छटाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में करना उचित रहता है। छटाई के समय कमजोर रोगग्रस्त व पुरानी शाखाओं को काटकर पौधों की ऊंचाई लगभग आधी छांट लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से अपने घर के गार्डन में गुलाब उगा सकते हैं, और देखते ही देखते आपका गार्डन गुलाबों से लहलहा उठेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।